नगर पंचायत खड्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कई महीनों से लगातार चर्चा में रही नगर पंचायत खड्डा के बोर्ड की बैठक चेयरमैन रुखसाना लारी के न पहुंचने के कारण वार्ड नंबर 1 की सभासद श्रीमती इंदु देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विगत एक वर्ष से नगर पंचायत की बैठक न होने से सभासद विगत 6 महीने से आंदोलित थे और 4 जनवरी से नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने के तीसरे दिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण चंद बोहरा और उपजिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार के बैठक कराने एवं अन्य मामलों में कार्यवाही के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ था। उसी क्रम में आज बैठक होना सुनिश्चित था, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष के न आने के कारण बैठक होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्रा द्वारा आज की बैठक नहीं करने की बात को लेकर तथा वर्चुअल बैठक 21 जनवरी को बैठक कराने के संबंध में सभासद उग्र हो गए और नारेबाजी करते हुए पुनः धरने पर बैठने की कोशिश की। इसके पश्चात मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार के हस्तक्षेप के बाद दोपहर बाद नगर पंचायत के सभागार में श्रीमती इंदु देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उक्त बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष के पद का दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से काम करने पर रोक लगाने एवं नगर पंचायत के चल अचल संपत्ति के खरीद बिक्री पर रोक लगाने और माह के प्रत्येक अंतिम सप्ताह में बोर्ड की बैठक कराने सहित 7 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर सभासद संतोष तिवारी, गायत्री देवी, अमृता गुप्ता, अजित सिंह, पशुपति नाथ, मधुक गुप्ता, विनोद यादव, प्रिंस मधेशिया, महादेव चौधरी, रोहित चौधरी, भगवती शरण पांडेय, अनिल गुप्ता, गजेंद्र यादव सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पंचायत में 13 माह से बाधित बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी, तो आज किस प्रकार से बैठक की गई है? अभी हम लोग जो है 13 महीने से हमारे जो पहले के सभासद हैं, हम लोग तो नामी सभासद, अभी हम लोग आए हुए 8 महीने हुए, 8 महीने से नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक बाधित है। लेकिन हम लोग को बताया गया कि 8 महीने से नहीं है, 13 महीने से बाधित है। 13 महीने से हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि बोर्ड की बैठक कराई जाए, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं होती है। इसके लिए हम लोग उच्चाधिकारियों को, अधिशासी अधिकारी सहित अन्य उच्चाधिकारियों को, सबको हम लोगों ने पत्र दिया, लिखित पत्र दिया, बार बार निवेदन किया, लेकिन निवेदन के बावजूद भी बोर्ड की बैठक अभी तक आहूत नहीं की गई। इसके अलावा बहुत सारी अनियमितता नगर पंचायत में है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जिसके विरुद्ध लगातार लिखा जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रुखसाना लारी कभी भी नगर पंचायत बोर्ड की बैठकों में इधर लगभग 2.5 वर्षों से नहीं आ रही हैं, और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब तक हुई कुल 13 बैठकों में से महज 2 बैठकों में उपस्थित रही हैं। अन्य बैठकों में पहले उनके स्वर्गीय पति ताहिर लारी जी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा करते थे, बाद में उनके पुत्र नासिर लारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर अवैधानिक ढंग से बोर्ड की बैठक कराया करते थे, जिसका विरोध सभासद लगातार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम लोग नगर पंचायत बोर्ड की बैठक की कार्रवाई रजिस्टर देखे, उसमें 2 ऐसी बैठकें हैं जिसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित रहे हैं, और माननीय विधायक जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में कभी भी अध्यक्ष उपस्थित नहीं रही हैं। सवाल यह उठता है कि जब अध्यक्ष आती नहीं है और माननीय जी भी उसमें उस बैठक में मौजूद रहे, तो वो बैठक कैसे वैध हो गया, कैसे वो बैठक हुआ? उस बैठक को तो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। जब अध्यक्ष नहीं तो बैठक नहीं, या फिर हम लोगों को नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 89 में यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर अध्यक्ष बैठक आहूत करती हैं और उस बैठक में किन्हीं कारणों से वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो सभासदों को यह अधिकार मिला हुआ है कि सभासद अपने में से किसी एक सदस्य की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक कर सकता है। उस अध्यक्ष के पास सभी प्रकार के, अध्यक्ष के जितने भी अधिकार हैं, सभी अधिकार निहित होंगे, केवल वित्तीय अधिकार को छोड़कर। आज हम लोग 4 जनवरी से नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा था। 2 दिन तक 3 दिन तक हम लोग धरने पर रहे। 6 तारीख को इस मामले में आप लोगों को बता दूं कि इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसियां आदरणीय श्री पूर्ण बोहरा जी जांच कर रहे हैं लगभग 6 माह से, और उसमें एक जांच SDM महोदय खड्डा आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी को भी मिला है।
ये अपनी जैसा कि 6 तारीख को आदरणीय बोहरा जी आए हुए थे और उनके आश्वासन पे ही हम लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। उन्होंने हम लोगों को दिखाया, जो उनकी जांच रिपोर्ट है उसमें उसको हम लोगों को दिखाया और वो ये बताया कि आदरणीय SDM साहब ने जो जांच रिपोर्ट दिया है वह जो हम लोग शिकायत किए हैं उस शिकायत के अनुरूप ही जाँच रिपोर्ट है। मतलब कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पुत्र के खिलाफ वह जांच रिपोर्ट गई हुई है, लेकिन अभी तक शायद वह जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। हम लोग को उम्मीद है कि अगर जिलाधिकारी महोदय समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होगा तो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस क्रम में ही दिनांक 6 जनवरी को हम सभी लोगों को ये आश्वासन दिया गया और जांच अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब कसियां आदरणीय पूर्व बोहरा जी दूरभाष पर शासी अधिकारी के मोबाइल फ़ोन से अध्यक्ष से बात किए और अध्यक्ष ने अपनी सहमति जताई कि 12 जनवरी दिन मंगलवार को बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी और यह मीडिया के सामने सभी अखबार समाचार पत्रों में यह खबर भी आई कि मंगलवार को बोर्ड की बैठक होगी। इस क्रम में आज हम सभी 15 में से 14 सभासद सूचना के आधार पर और आश्वासन के आधार पर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक हेतु सभागार में उपस्थित हुए दिन में 10 बजे, लेकिन 12 बजे करीब में शासी अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि आप लोगों की बैठक 21 तारीख को होगा जो जूम ऐप से किया जाएगा, जबकि इसके पहले भी जूम ऐप से हम लोगों के सामने यह मामला आया था जिस पर हम लोगों ने सीधे तौर पर लिख दिया था कि जूम ऐप से, चूँकि लोकसभा विधानसभा सब कुछ चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में जूम ऐप से बैठक कराना कहीं भी निकाय हित में सही नहीं है। और जो नगर पालिका एक्ट है उस नगर पालिका एक्ट के तहत अध्यक्ष को नगर में निवास करना चाहिए, लेकिन बीते 3 वर्षों से नगर में अध्यक्ष जी निवास नहीं करती हैं। वो है सही तौर पे वो अपना पूरा अधिकार अपने पुत्र को दे चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको हर तरह से हम लोग की सभी लोगों की मांग है कि ऐसी स्थिति में या तो नैतिकता के आधार पे वह त्यागपत्र दे दें या फिर उनको शासन जांच करके बर्खास्त करें। उनसे कहा है कि ये बैठक नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि भाई सूचना हम लोग को मिली है और अध्यक्ष जी ने सहमत जताई है, उस सूचना के आधार पर आज हम लोग आए हैं। अगर अध्यक्ष जी नहीं आती हैं तो नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 89 के तहत बोर्ड की बैठक कराई जाए और हम लोग ने लिखित पत्र अधिशासी अधिकारी को दिया है कि हम लोग अपने बीच से वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर की सभासद श्रीमती इंदु देवी को अध्यक्ष तय करते हैं और उनकी अध्यक्षता में आज की बोर्ड की बैठक कराई जाए। इस क्रम में उप जिलाधिकारी आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी भी यहां पे आए और उन लोगों के निर्देश पर हम लोगों की बोर्ड की बैठक आज संपादित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं अधिशासी अधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय खड्डा को। तो इसमें लिखना पड़ेगा जी 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 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, इसके आधार पर आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आज की बैठक में आप लोगों ने लेटर भी दिया और बताया भी कि साहब आप रहिए, तो इसमें इंट्रो में वही चीज लिख दी। मैं आया यहाँ बैठा रहा जीओ साहब के साथ, आप लोग जो भी कार्रवाई किए हैं इस कार्रवाई की सूचना तो मुझे DM साहब को देनी पड़ेगी ना जी, तो हम अनरिटन देंगे DM साहब को, तो वो चीजें आप लिख के दीजिए तो हम लिख के दे देते हैं। तो इसमें अंत में एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि आज की इस बैठक की कृत कार्रवाई से उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दें। अवगत करा दें ठीक है, जो आप किए हैं मुझे किसी भी प्रकार का किसी भी सभासद ने क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं। हाँ ये है, आप लिख के अगर हमको देंगे तो हम साहब को अपने माध्यम से एक लेटर के माध्यम से हम साहब को अवगत कराएंगे कि साहब ये सिचुएशन है, वहाँ चेयरमैन आती नहीं है, वहाँ वर्चुअल मीटिंग की बात होती है, वहाँ पूर्व में हम लोगों ज्वाइंट साहब ने वहाँ जाके इस आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था, मुझे बात भी किया गया था कि भाई इसके पहले भी हमने एक लेटर दिया था युवा साहब को कि इसको परसों अब कराइए। ठीक है,
तो लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने मीटिंग किया। अब इसका क्या है, अब मैं उठा के डीएम साहब को सौंपूंगा और पूरी बात उनको अवगत कराऊंगा। साहब इसके भीड़ अधिकारी हैं, हम जो निर्णय वो जो निर्णय करेंगे हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।